क्लास 11th मैथमेटिक्स जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है रिलेशन एंड फंक्शन, उसका आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज पूरा करेंगे। और इससे पहले मैंने बाकी की एक्सरसाइज और बाकी के चैप्टर करा रखे हैं जिसकी लिंक्स मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ कराऊंगा। अगर आपने मेरे बाकी वीडियोज़ को देखे होंगे तो आपको इस चैप्टर पर मज़ा आ जाएगा और बाकी चैप्टर भी मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं, क्या बोल रहे हैं। कह रहे द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाय दिस, कि ये हमें रिलेशन एफ डिफाइन कर रखा है, ठीक है, और जी एक्स हमें इस रूप में डिफाइन कर रखा है। हमें बताना है कि फंक्शन जो एफ है, एफ इज अ फंक्शन है, ये जो एफ है वो एक तो फंक्शन है, बट ये जो जी है वो एक फंक्शन नहीं है, ठीक है। मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बता रखा था कि फंक्शन कब नहीं होता, जब एक ही इनपुट दो दो आउटपुट देने लगते हैं तब वो फंक्शन नहीं रहता है ना। अब तो मेरे को मेन मकसद यही है कि जी एक्स में अगर मैं दिखा देता हूँ कि एक इनपुट दो आउटपुट दे रहा है तो यानी कि वो फंक्शन नहीं होगा, बेसिकली ये मतलब हुआ, हमें ये करना है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अगर आपको क्लास नोट चाहिए तो बता देना, मैं इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। सबसे पहले आपको प्रॉपर क्या लिखना है, गिवन एफ एक्स, एफ एक्स हम क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर फंक्शन आपका कब तब आएगा जब एक्स की वैल्यू 3 हो या 3 से कम हो, 0 हो या 0 से बड़ी हो, ठीक है। और दूसरा फंक्शन इसी में क्या दे रखा है, 3x आपको तब लेना है जब x की वैल्यू 3 या 3 से बड़ी हो और या 10 या 10 से छोटी हो, ये fx है। एंड हमें gx क्या दे रखा है, देखिए gx हमें दे रखा है x स्क्वायर, ये तब हमारे पास जब हमारी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी है x या 2 या 2 से छोटी है। और यहाँ पर 3x आपको तब लेना है जब x की वैल्यू 2 हो और x की वैल्यू 10 या 10 से कम हो, ठीक है। हम सब की बात करेंगे तो लिखेंगे फॉर एफ एक्स। देखो फंक्शन जो भी आपको गिवन होगा वो वेल डिफाइंड भी होना चाहिए, आपको फंक्शन को पहले वेल डिफाइंड बताना पड़ेगा। देखो फॉर वेल डिफाइंड फंक्शन एफ एक्स के लिए देखो बात करते हैं, सिंस एफ एक्स इक्वल्स टू क्या है, एक्स स्क्वायर, ये वेल डिफाइन है। क्यों मैं आपको बता रहा हूँ, रीज़न दूंगा, वेल डिफाइन इन इस इंटरवल में ये फंक्शन वेल डिफाइन है, क्यों, अब रीज़न देखो। रीज़न क्या है कि देखो अगर आप x की वैल्यू 0 पुट करोगे, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है कि x के पास 0 है, 1 है, 2 है, ठीक है, और इसके अंदर के और भी वैल्यूज़ हैं, सिर्फ 0, 1, 2, 3 ही नहीं है, 1/2, 2/3, 2.5 सारी चीज़ें हैं। मैं तो मोटी मोटी वैल्यू आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप यहाँ रखोगे एक्स स्क्वायर तो 0 का स्क्वायर क्या देगा, 0, ठीक है। आपको 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, 2 का स्क्वायर आपको क्या देगा, 4। तो मतलब जो भी चीज़ रखो अगर आप 1.2 भी रखते हो तो ऑलवेज एक फाइनाइट वैल्यू देगा आपको, एक ऑलवेज क्या देगा, फाइनाइट। जब भी फाइनाइट वैल्यू देता है वो इंटरवल उस फंक्शन पे फाइनाइट वैल्यू देता है तो वो फंक्शन हमारी क्या होती है, वेल डिफाइन, ठीक है। दूसरा देखो हमारे पास क्या है, एफ एक्स, एक्स स्क्वायर की बात कर ले, 3x पे भी आ जाओ, 3x ये कब है, जब हमारे पास x की वैल्यू 10 या 10 से छोटी हो, 3 या 3 से बड़ी हो, तो ये भी वेल डिफाइन है ना। जैसे अभी आपको मैंने ऊपर दिखाया, ये भी क्या हो जाएगा, वेल डिफाइन हो जाएगा। 3 या 10 के बीच में कोई सा भी वैल्यू आप ले लो, पॉइंट पे ले लो, कुछ भी ले लो, और जब हम एक्स यहाँ पर रखेंगे, जैसे सपोज करो इफ़ एक्स इक्वल टू मैं 5 ले लेता हूँ और मैं यहाँ रख देता हूँ 3 × 5, यानी कि हमें क्या देगा, 15, एक फाइनाइट वैल्यू देगा, चाहे पॉइंट में दे चाहे नॉर्मल वे में दे, ऑलवेज एक फाइनाइट वैल्यू देगा, ऑलवेज गिव्स फाइनाइट वैल्यू, ठीक है। हेंस फंक्शन एक्स इज वेल डिफाइंड, ठीक है, वेल डिफाइन हो गया।
अब फंक्शन एक्स को हमने वर्ल्ड डिफाइन तो बोल दिया है, देखो मैंने डिटेल कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक कुछ भी नहीं, फुल कॉन्सेप्ट। तो फंक्शन हमारा एफ एक्स वर्ल्ड डिफाइन हो गया, लेकिन ये एफ एक्स वाकई में फंक्शन है कि नहीं उसके लिए चेक करो। अब देखो मैं आपको बाई फिगर समझाता हूँ, एफ एक्स हमारे पास क्या है, देखो एक्स स्क्वायर आपको तब लेना है जब एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी हो, तीन या तीन से छोटी हो, और थ्री एक्स आपको तब लेना है जब इसकी वैल्यू तीन, ये चीज़ों। सो देखो यहाँ पर जीरो एक्स तीन, एक इन दोनों में कौन सी वैल्यू है जो दोनों में कॉमन आएगी उसकी बात करो, बाकी किसी की बात मत करो, उसी पर ही हमारा डाउट होता है। देखो यहाँ से मेरे को तो x क्या मिलेगा, मोटा मोटा मैं अगर देखूँ 0, 1, 2, 3, इसके बीच में और भी वैल्यूज आएंगे 2.5, 1.2, बहुत से वैल्यूज़ हैं। और अगर क्योंकि रियल नंबर से आ रहे हैं ना, नेचुरल नंबर है ये कुछ मेंशन नहीं किया है कि x कहाँ से आ रहा है, x एक रियल नंबर है और रियल नंबर पे तो सब आते हैं, और यहाँ x के पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तीन से स्टार्ट हो रहा है, फिर 3, 3.1, 2, 3.5 ऐसे, ठीक है 3.1, 3.4 ऐसे कुछ, फिर 4, 4.5 ऐसे कहाँ तक है, 10 तक है। तो इन दोनों में कौन से पे हमारा डाउट आएगा, ओनली हमारा डाउट सिर्फ इन दोनों इस पे रहेगा, क्योंकि ये भी यहाँ पर भी तीन आएगा और यहाँ पर भी तीन है, क्लोज इंटरवल है, इस साइन का मतलब क्या होता है, क्लोज इंटरवल, इस सेट के पास भी तीन है और इस सेट के पास भी तीन है, तो हमारा मेन डाउट तीन है। इस फंक्शन के लिए बात कर रहे हैं, जब एक्स बराबर तीन हो, तीन रखो, थ्री का स्क्वायर मेरे को क्या दिया इसने, नाइन दिया, जब एक्स इक्वल टू थ्री फिर से तीन रखो यहाँ पर, ठीक है 3 × 3 उसने भी मेरे को क्या दिया, नाइन, सेम दे रहा है, डिफरेंट नहीं दिया इसने। देखो जब मैंने तीन रखा हो तब भी उसने इस फंक्शन ने 9 दिया है, जब मैंने यहाँ पर भी तीन रखा तब भी उसने 9 ही दिया है। तो एक इनपुट अलग अलग फंक्शन डिफाइन है लेकिन इनपुट एक ही दे रहा है। अगर तीन यहाँ पर पाँच देता है और यहाँ पर चार देता है तो एक इनपुट दो डिफरेंट आउटपुट दे देते, उस कंडीशन में ये क्या नहीं होता, फंक्शन नहीं होता है। लेकिन यहाँ देखो एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट दे रहा है, यूनिक आउटपुट दे रहा है, इसी वजह से ये जो है एफ एक्स है वो क्या हो जाएगा, एक फंक्शन हो जाएगा। ठीक है तो आप प्रॉपर यहाँ पर लिख सकते हो एट एक्स स्क्वस टू थ्री फंक्शन एक्स स्क्वस टू एक्स स्क्वायर, जब हम लेंगे तो एफ थ्री एक्स की जगह पर थ्री रखने पर थ्री का स्क्वायर यानी कि हमें नाइन दिया, एट एक्स स्क्वायर टू थ्री फंक्शन एक्स जब हम लेंगे थ्री एक्स तो एफ थ्री की वैल्यू 3 × 3 तब भी उसने हमें क्या दिया, नाइन दिया। इट्स इम्प्लाइज फंक्शन एक्स इज डिफाइंड एट एक्स स्क्वायर टू थ्री पर ये फंक्शन प्रॉपर डिफाइन है। ठीक है देयरफॉर एफ इज अ फंक्शन, यही हमें प्रूफ करना था कि एफ एक्स हमारा एक क्या है, फंक्शन है। सेकेंड पार्ट पे आ जाओ, जो नंबर बी आपको बोला एफ एक्स मतलब जी एक्स, ठीक। सो ये फंक्शन भी प्रॉपर डिफाइन होगा, वेल डिफाइन है जैसे पहले किया था। देखो एक्स की वैल्यू यहाँ पर 0 से 2 तक है, जब भी हम रखेंगे तो ऑलवेज एक फाइनाइट वैल्यू देगा, ठीक है ऑलवेज एक क्या देगा, फाइनाइट वैल्यू देगा, इट इज़ वेल डिफाइंड। यहाँ पर मैं प्रॉपर नहीं पूरा बता रहा हूँ क्योंकि अभी बता गया है, कुछ भी वैल्यू लोगे यहाँ से और यहाँ पर मल्टीप्लाई रखोगे पुट करोगे एक्स की जगह पर तो ऑलवेज फाइनाइट वैल्यू देगा। यहाँ से भी कोई भी एक्स की एक वैल्यू लोगे यहाँ पर रखोगे सॉल्व करोगे तो ऑलवेज एक फाइनाइट वैल्यू देगा, यानी कि ये फंक्शन क्या है, इट इज़ वेल डिफाइन। ये फंक्शन वेल डिफाइन है, वेल डिफाइन कब नहीं होता है, जब ये इन्फिनिटी हमें दे देगा। अगर हमें ये इन्फिनिटी देता तब हम या प्लस का इन्फिनिटी दें या माइनस का इन्फिनिटी दें, अगर इन्फिनिटी देता है तो फंक्शन हमारा क्या नहीं होता है, वेल डिफाइन नहीं होता है। आई बस समझ में, तो ये फंक्शन क्या है, वेल डिफाइन है। अब वही बात मैं यहाँ पर भी करूँगा, देखो इस सेट के पास 2 है और इस सेट के पास भी 2 है, बाकी कोई भी एलिमेंट दोनों में कॉमन नहीं है, ठीक है देखो। सो हमारा जो डाउट होगा वो किस पे होगा, 2 पे ही होगा, ठीक है। तो 2 पे हमें चेक करना है,
हमें क्या करना है, टू पे चेक करना है। सिंस कॉमन एलिमेंट इज एक्स इक्वल टू टू, सो एट एक्स इक्वल टू टू, अगर हम ये वाला फंक्शन लेते हैं, जी एक्स में एक्स स्क्वायर लेते हैं, यानी कि जी टू, यानी कि टू का स्क्वायर हमें क्या दे रहा है, फोर दे रहा है, ठीक है। फिर एट एक्स स्क्वायर टू टू जी एक्स, जब हम लेंगे थ्री एक्स तब हमें क्या दे रहे हैं, थ्री इंटू टू यानी कि सिक्स। ओ तो देखो ये डिफरेंट, इनपुट हमारा सेम है लेकिन जो आउटपुट आ रहा है वो डिफरेंट आ रहा है, एक बार फोर दे रहा है और एक बार सिक्स दे रहा है, ठीक है। तो भाई फिगर में अगर आपको बताऊं, जब हम टू रख रहे हैं तो एक बार मेरे को फोर मिल रहा है और एक बार मेरे को सिक्स मिल रहा है, एक इनपुट रखने पे दो डिफरेंट आउटपुट मेरे को मिल रहा है, तो ये फंक्शन नहीं है। रीज़न क्या लिखोगे, जी एक्स इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इक्वल्स टू टू, हेंस जी इज नॉट अ फंक्शन, ये इसका प्रॉपर आंसर हो जाएगा, ठीक। सेकंड क्वेश्चन में बोले फंक्शन एक्स हमारे पास ये है तो आपको ये फाइंड करना है, एकदम बच्चों का क्वेश्चन है। कि ये चीज़ हमें क्या करनी है, फाइंड करनी है कि फंक्शन हमें दे रखा है, तो मतलब x की जगह एक बार 1.1 रखना है, एक बार x की जगह 1 रखना है, ठीक है। तो ये फंक्शन है हमारे पास, तो 1.1 का स्क्वायर, फिर यहाँ 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर अपॉन 1.1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 0.1। 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121, 0.2 प्लस के बाद लगेगा, तो यहाँ से आ जाएगा 0.21, 0.1, ठीक है, यही बचेगा। सॉल्व करेंगे, ये देखो यहाँ से दशमलव को हटा के सॉल्व करोगे तो यहाँ से एक हटाया, इस एक ही ज़ीरो है, एक ज़ीरो बढ़ेगा, यहाँ से पहले दो ज़ीरो था, दो ज़ीरो यहाँ बढ़ा, 21/10 तो किया जाएगा 2.1 आंसर, ठीक है, ये चीज़ आ गई। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, कह रहे हैं फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का हमें डोमेन पता करना है। देखो डोमेन पता करने का जो रीज़न है, जो डोमेन आएगा वो पूरा पूरा रियल नंबर से आता है, ठीक है। अब यहाँ से मेरे को पता चल रहा है कि पूरा मैं कहीं से भी एक्स वन ले सकता हूँ, 1/2 ले सकता हूँ, √2 ले सकता हूँ, 1.5 ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ, लेकिन डोमेन में एक खासियत यह होती है, क्योंकि ये जो फंक्शन है पी अपॉन क्यू के फॉर्म में, अगर नीचे ज़ीरो आ जाएगा तो समथिंग अपॉन ज़ीरो इज़ इन्फिनिटी, तो वो डिफाइन नहीं करेगा, यानी कि सारा रियल नंबर आएगा अगर इसकी वैल्यू बस क्या ना आए, ज़ीरो ना आए, यानी कि हमें एक्स की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिस पर ये फंक्शन क्या ना दे, ज़ीरो ना दे, ठीक है। और उसके बाद हम इसका सॉल्व करेंगे, तो देखो डोमेन कैसे निकलता है। ओके, गिवन फंक्शन हमें क्या दे रखा है, ठीक ये दे रखा है हमें, तो आप क्या लिखोगे, सिंस फंक्शन इज इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, सो वी मस्ट हैव क्यू नॉट इक्वल टू ज़ीरो, क्यू का मान क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी ये फंक्शन
क्या करेगा, वेल डिफाइन होगा। देयरफॉर इसका सीधा सीधा मतलब है कि एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस ट्वेल्व की वैल्यू कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, तभी ये फंक्शन क्या होगा, वेल डिफाइन होगा। ठीक है, तो देखो अब क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई करने पर ट्वेल्व आता हो और ऐड करने पर एट आता हो, छः दुनी यहाँ से एक पेयर है, यहाँ से एक पेयर, एक्स कॉमन एक्स में, तो जो दो बार है उसे हम एक बार लिखते हैं, और यहाँ से सो एक्स की वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे को, एक्स की वैल्यू क्या ना हो, एक्स की वैल्यू यहाँ से एक टू मिलेगी और यहाँ से एक्स क्या मिलेगी, सिक्स मिलेगी। मतलब अगर एक्स की वैल्यू दो आती है और एक्स की वैल्यू हम छः लेते हैं तब ये फंक्शन क्या नहीं होगा, डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो आप कहेंगे सो डोमेन पूरा का पूरा रियल नंबर होगा उसके पास, माइनस माइनस का मतलब क्या होता है, उसके पास वो आर तो है बट आर में दो नहीं है और क्या नहीं है, छः नहीं है, क्योंकि ये पर्टिकुलर एलिमेंट्स है, तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखा जाएगा 2.6, कोई ब्रैकेट्स नहीं आएगा, ब्रैकेट का मतलब कोई इंटरवल नहीं आएगा, सिर्फ पर्टिकुलर दो एलिमेंट्स है तभी इसे सेट के फॉर्म में लिख रहे हैं हम। आंसर ये हमारा डोमेन आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन। ये हमारे पास एक फंक्शन है, रियल फंक्शन बोला है। ठीक है, ये कीवर्ड है इस क्वेश्चन का, डिफाइन बाई इस रूप में हमें डिफाइन कर रखा है, और इसका हमें रेंज निकालना है और डोमेन निकालना है, रियल फंक्शन बोला है। ठीक है, कीवर्ड क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले देखो हमें फंक्शन क्या दे रखा है, अंडर रूट में दे रखा है, ये हमारे पास फंक्शन है। अगर ये फंक्शन डिफाइन करेगा तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ज़ीरो या ज़ीरो से बड़ी होनी चाहिए, रूट के अंदर की वैल्यू, तब ये फंक्शन डिफाइन होगा, क्योंकि नेगेटिव आएगा तो वो तो इमेजिनरी हो जाएगा। फंक्शन हमारे क्या बोला है, रियल फंक्शन, रियल फंक्शन का मतलब एक्स रियल में आनी चाहिए, और रूट के अंदर अगर नेगेटिव में आता है तो आपको पता है इमेजिनरी वैल्यूज़ आती है। इमेजिनरी वैल्यूज़ के बारे में अभी हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5, तो वहाँ से आपको कॉन्सेप्ट और समझ में आ जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ लिखेंगे, फॉर फंक्शन बी डिफाइंड वी मस्ट हैव, हमारे पास क्या होना चाहिए कि ये जो वैल्यू है x माइनस वन की वैल्यू या तो ज़ीरो हो या ज़ीरो से बड़ी हो, ये हमें आना चाहिए। ठीक है, अब ये नेगेटिव का उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का, यानी कि ये चीज़ क्या बताता है, x, मैंने आपको बताया था x होता है आपका डोमेन, y होता है आपका कोऑर्डिनेट क्या, रेंज है ना। तो डोमेन आपको क्या बता रहा है, ये क्वेश्चन इस यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जो डोमेन होगा वो या तो एक होगा या एक से बड़ा होगा, और चिन्ह देख रहे हैं ना आप यहाँ से, या तो एक होगा या एक से बड़ा होगा। सो डोमेन, तो डोमेन हमारे पास होगा, एक है उसके पास, यानी कि यहाँ पर क्लोज इंटरवल लगेगा, और एक से बड़ा, बड़ा मतलब इन्फिनिटी की ओर टेंस कर रहा है, लेकिन रियल नंबर के पास इन्फिनिटी होती नहीं है, उसकी ओर टेंस करती है, इसीलिए यहाँ पर क्या लगता है, ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है कि सेट के पास इन्फिनिटी नहीं है, उसकी ओर टेंस कर रहा है, रियल नंबर के पास इन्फिनिटी नहीं होती है, ना ही प्लस इन्फिनिटी होती है ना ही माइनस इन्फिनिटी होती है, हमेशा याद रखना। ठीक है, एक आंसर यहाँ आ गया, डोमेन आ गया, अब हमें रेंज निकालना है, रेंज मतलब वाई। ठीक है, अब हम बात करेंगे रेंज की, रेंज अब देखो, रेंज के लिए आपको पता है पुट एफ एक्स इज़ टू वाई, मैं पहले प्रीवियस एक्सरसाइज में अभी आपको सिखा चुका हूँ। अब देखो हमें क्वेश्चन में दिया गया रखा था एफ एक्स इज़ टू,
रूट एक्स माइनस वाई, तो इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, वाई, ठीक है यही रखेंगे। अब यहाँ अंडर रूट है तो क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करनी है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर और यहाँ से ये, तो नेगेटिव का वन इधर रखेंगे और जाएगा पॉजिटिव का एक्स, ठीक है ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब ये एक्स को और इधर इधर ला दूँ तो इधर क्या बचेगा, जीरो। अब हमें करना क्या होता है, यहाँ से इस एक्स को ना एलिमिनेट करना होता है क्योंकि हमें वाई की वैल्यू चाहिए, वाई हमारा रेंज देगा, हमें एक्स की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें एक्स को हटाना है यहाँ से। तो एक्स को हम कैसे हटा सकते हैं, यहाँ से मैं एक्स की वैल्यू रख सकता हूँ, वन है एक्स की वैल्यू, लेकिन जब एक्स की जगह पे वन रखोगे तो इंक्लूडिंग दिस साइन ये भी आएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर रखेंगे एक्स की वैल्यू, प्लस एक्स की वैल्यू वन है, अब हमें आपको साइन को भी लाना है, ये साइन यहाँ से आ जाएगा, तो ये कटाओ, वाई स्क्वायर की वैल्यू ये। अब मैंने बता रखा है चाहे एक्स स्क्वायर इस तरह की आए और वाई स्क्वायर इस तरीके से आता है, इसका सीधा सीधा मतलब होता है कि जो वाई की वैल्यू है वो इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के बीच में है, क्योंकि वाई की वैल्यू स्क्वायर रूट निकालोगे तो इसका मतलब सीधा सीधा ये होता है, हमेशा थोड़ा सा ये याद रखो, ये आ गया ठीक। बट वाई आपने क्या माना है, एफ एक्स को वाई माना है, यानी कि इसकी वैल्यू वाई है, इसकी वैल्यू वाई है और फंक्शन हमारा रियल वैल्यूड फंक्शन है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू वाई की वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती, कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो वही हम यहाँ लिखेंगे, बट वाई कैन नॉट बी नेगेटिव, एज द फंक्शन रूट एक्स माइनस वन कैन नॉट अकर कंटेन नेगेटिव वैल्यूज, पूरा रीजन मैंने दे दिया, ठीक है, क्योंकि ये नहीं कर सकती, ये आपका वो नहीं लग सकता, नेगेटिव वैल्यू को वो कंटेन नहीं कर सकती। तो यहाँ से अब क्या आ जाएगा, सो वी है, सो हमारे पास क्या हो जाएगा, सो वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास ये थी, तो वाई की वैल्यू क्या होगी, ये लेंगे हम, ठीक है। तो रेंज क्या हो जाएगा, ज़ीरो भी है सेट के पास, ज़ीरो है और ज़ीरो से बड़ी वैल्यूज है, ठीक है, बड़ा मतलब एक दो तीन चार पाँच है, कहाँ तक जा रहा है भगवान जाने, इसलिए इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, तो इन्फिनिटी सेट के पास नहीं होती है रियल नंबर के पास, तो यहाँ पर ओपन इंटरवल लग जाएगा आंसर, तो डोमेन भी निकल गया, रेंज भी निकल गया, बड़ा सिंपल, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव, इसमें भी वही चीज़ करनी है, कैन यू फाइंड द डोमेन एंड द रेंज ऑफ द रियल फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू दिस, ठीक है चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव। हमारे पास फंक्शन क्या दे रखा है, फंक्शन दे रखा है ये चीज, और क्या बोला है, रियल फंक्शन बोला है। रियल फंक्शन का मतलब होता है एवरी जो एक्स हम लेंगे वो कहाँ से लेंगे, आर से लेंगे, ठीक, यही होता है रियल फंक्शन का मतलब, कि हर एक जो एक्स आएगा वो कहाँ से आएगा, रियल नंबर से आएगा, और जो एक्स होता है वही आपका क्या होता है, डोमेन होता है, ठीक है, वो आपका क्या होता है, डोमेन। सो डोमेन हमारे पास क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा आर हो जाएगा, रियल नंबर। नाउ आर के पास दुनियादारी सब है, इमेजिनरी नंबर को छोड़ के सब होता है ना। नाउ फॉर रेंज,
रेंज का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप कोई भी इनपुट यहाँ पर रखते हो, ठीक है, जो आपको आउटपुट देता है उन सबका कलेक्शन। अब आप आर के पास तो नेगेटिव की वैल्यूज़ भी हैं, आप नेगेटिव रखोगे यहाँ पर, सपोज करो माइनस टू रख दिया आपने, यहाँ माइनस टू रखा है एक्स की जगह माइनस टू माइनस वन माइनस थ्री हो गया, लेकिन वो मॉडुलस के बाहर आके क्या हो जाएगा पॉजिटिव का, यानी कि आर की जगह पर अगर वन भी रखोगे तो वो वन माइनस वन ज़ीरो हो जाएगा। दुनियादारी सारी वैल्यू रख दो, एक्स की जो मर्जी वैल्यूज रख दो, चाहे नेगेटिव का रखो पॉजिटिव का रखो फ्रैक्शनल रखो कुछ भी रखो छोटा बड़ा कुछ भी रखो, वो ऑलवेज एक पॉजिटिव वैल्यू ही देगा। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस मॉडुलस फंक्शन, ठीक है ना? यही देखो, यहाँ पे हम लिख सकते हैं सिंस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन कैन एग्जिस्ट ओनली नॉन नेगेटिव वैल्यूज, ठीक है, क्यों होगी मैंने अभी आपको बताया था, बिकॉज ऑफ दिस मॉडुलस फंक्शन। ठीक, दुनिया की सारी वैल्यूज रखोगे तो वो ऑलवेज आर प्लस ही देगा, सो जो रेंज होगी हमारे पास वो क्या होगी, आर प्लस होगी। सारे इनपुट रखो माइनस वन रखो तो आपको सॉल्व करने पर आपको एक प्लस टू ही दे देगा, है ना, क्योंकि नेगेटिव के बाहर आके वो मॉडुलस प्लस हो जाएगा। लेकिन एक वैल्यू एक ऐसा है आर प्लस बोला है, मतलब नेगेटिव का तो कुछ भी नहीं लेना है, लेकिन ज़ीरो इसके साथ ज़ीरो भी आएगा, क्योंकि अगर अब मैं आर ले देता हूँ वन, इफ़ आर मतलब एक्स की जगह पे मैं अगर वन ले लेता हूँ, वन क्या है रियल नंबर है, मैं रखता हूँ यहाँ पर वन, वन माइनस वन क्या जाएगा ज़ीरो, ठीक है। तो इसके पास पूरा का पूरा आर प्लस है और साथ ही साथ इसके पास क्या एक एलिमेंट ज़ीरो भी है, तो ये इसका क्या हो जाएगा रेंज हो जाएगा। ठीक, रेंज क्या होता है आउटपुट का कलेक्शन, तो आउटपुट क्या है आर प्लस आ रहा है और उसके साथ साथ ज़ीरो भी उसके साथ इंक्लूड है। ठीक, तो ये आंसर आ जाएगा। अगर थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है तो वीडियो को एक बार रिवाइंड कर लेना। देखो तो मेन चीज़ हमारा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको बाकी चैप्टर आपने कर रखे हैं बाकी कॉन्सेप्ट वीडियो आपने देख रखे हैं मेरे, तो ये लिए आप ये सब क्वेश्चन आपके लिए एकदम हलवा है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये सब। मैं बार बार बोलता हूँ कॉन्सेप्ट इज़ द किंग, कॉन्सेप्ट ही हमारा सब कुछ है, खास तौर पे इस टाइप के क्वेश्चन चैप्टर्स में। छठे क्वेश्चन में आ जाओ, कह रहे हैं ये हमारा फंक्शन है इस रूप में डिफाइन किया हुआ है, जो एक्स से हम ले रहे हैं वो आर से, बी अ फंक्शन फ्रॉम आर इन टू आर, डिटरमाइन द रेंज ऑफ एफ, हमें इस फंक्शन के रेंज के बारे में बात करनी है, ठीक है। डोमेन तो हमारा पता ही चल गया, डोमेन एक्स हम आर से ले रहे हैं, तो डोमेन हमारा अगर बोल देता आपसे कि बताओ डोमेन क्या भाई, तो आप बोलते क्या रियल नंबर से आ रहा है एक्स, तो ये हमारा डोमेन है। लेकिन क्वेश्चन में बात कर रहा है रेंज के लिए, और देखो फंक्शन को भी इसने किस खास तरीके से डिफाइन कर रखा है, एक्स को समथिंग, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट वाला क्या होता है आपका डोमेन, तो डोमेन हमारा आर से आ रहा है, पूरा पूरा आर हो जाता है। लेकिन ये वाई कोऑर्डिनेट हमारा क्या होता है रेंज होता है, मैंने आपको बोला था एक्स कोऑर्डिनेट ऑलवेज डिफाइन डोमेन एंड वाई कोऑर्डिनेट आल्सो ऑलवेज डिफाइन रेंज, तो ये हमें देगा रेंज ये वाला हिस्सा, ठीक है। चलिए देखते हैं, गिवन फंक्शन में क्या कैसे डिफाइन कर रखा है, एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और एक्स कहाँ से आ रहा है आर से आ रहा है, और फंक्शन हमारा आर से आर में जा रहा है, ये चीज़ बोला है, ठीक है, आर से आर में जा रहा है हियर फॉर रेंज। वाई के प्लेस पे क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक, यही चीज़ है हमारे पास। अब देखो अब क्या होगा हमारे पास, देखो एक्स की
क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर लगा है, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर लगा है। एक्स कहाँ से आ रहा है? आर से आ रहा है। आर के पास तो सब होते हैं इमेजिनरी को छोड़कर। अब मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, अगर आप एक्स की वैल्यू माइनस वन ले लो, एक्स की वैल्यू माइनस टू ले लो, या प्लस फोर ले लो, थ्री ले लो, कुछ भी ले लो, जब आप रखोगे ना, आप यहाँ पर देखो एक्स के मान माइनस वन रख लो यहाँ पर, ठीक है, तो आपको वाई क्या मिलेगा? माइनस वन रखोगे तो वन आ जाएगा ऊपर, यहाँ से वन वन टू, तो पॉइंट फाइव आ जाएगा लगभग। तो ये ऑलवेज ऑलवेज हमें क्या देगा? वाई एक पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, चाहे आप एक्स नेगेटिव का रखो, चाहे आप एक्स पॉजिटिव का रखो। एक्स के पास आप ज़ीरो भी रख सकते हो, आप एक्स के पास आप क्या ले सकते हो? ज़ीरो भी ले सकते हो, क्योंकि ज़ीरो भी रियल नंबर में होता है, ठीक है। तो वाई आपके पास, हमारे पास ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो, वन प्लस ज़ीरो, यानी कि ज़ीरो तो आएगा, ज़ीरो है सेट के पास। और जैसे भी तुम एक्स समथिंग माइनस वन लो, माइनस टू लो, माइनस फोर लो, प्लस फोर लो, कुछ भी लो, ये जो वैल्यूज़ हैं, क्योंकि देखो अगर सपोज़ करो फोर ले लिया तुमने, एक्स फोर ले लिया ऊपर, तो फोर ले लिया तो ऊपर सोलह हो जाएगा, और सोलह और एक सत्रह हो जाएगा नीचे, तो ये सत्रह नीचे ज़्यादा है, तो ये ऑलवेज पॉइंट समथिंग आएगा। तो रेंज क्या होती है हमारी? रेंज क्या होता है? देखो x बराबर ज़ीरो रखने पर एग्जैक्ट वैल्यू मेरे को ज़ीरो मिल रही है, एग्जैक्ट वैल्यू मेरे को ज़ीरो मिल रही है। तुम और तुम जितनी भी बड़ी वैल्यू लोगे वो ऑलवेज वन की ओर टेंड्स करेगी, ऑलवेज वन की ओर टेंड्स करेगी। और रेंज क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल आउटपुट्स, कलेक्शन ऑफ ऑल आउटपुट्स, ठीक है। विन ऐसे तुम दो चार वैल्यू रखा के दिखा दो, ठीक है। देखो ज़ीरो पे तो मेरे को पूरा पूरा ज़ीरो मिल गया, तो रेंज क्या होगा? आप जानते हो रेंज क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल वैल्यूज़। तो ज़ीरो सेट के पास है और सारे वैल्यूज़ कभी पॉइंट फाइव दे रहा है, कभी पॉइंट कुछ देगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा किसकी ओर टेंस करेगा? एक की ओर टेंस करेगा, लेकिन कभी भी एक नहीं आएगा, कभी भी एक नहीं आएगा। तुम एक्स के कोई भी वैल्यू ले लो, बड़े से बड़ा वैल्यू ले लो, तुम्हारे मन में जितना भी आता है, पाँच सौ, हज़ार, करोड़, दस करोड़, कुछ भी ले लो, कभी भी एक नहीं आएगा, एक के आसपास आएगा, ठीक है। कभी हाफ दे देगा, कभी पॉइंट में आ जाएगा, एक के और टेंस करेगा, लेकिन सेट के पास कभी भी एक नहीं होगा। और नहीं होगा तो यहाँ क्या लग जाएगा? ओपन इंटरवल, ये आ जाएगा आपका आंसर रेंज का, ठीक। तो वही मैं बोल रहा हूँ बार बार, कॉन्सेप्ट इज़ द किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कह रहे हैं जो फंक्शन है, लेट एफ और जी दोनों फंक्शन आर से आर में जा रहे हैं, और इस प्रकार से डिफाइन की जो एफ एक्स है ये है, जी एक्स ये है, तो हमें एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ अपॉन जी फाइंड करना है। एकदम हलवा एकदम हलवा दे रखा है ये क्वेश्चन, ठीक। तो जो हमारा फंक्शन है वो भी आर से आर में जा रहे हैं, जो हमारा दूसरा जी फंक्शन है वो भी आर से आर में जा रहे हैं। ये चीज़ ज़रूरी है, अगर ये सेम सेम नहीं जा रहा है तो फंक्शन ना तो ऐड होंगे ना ही माइनस होंगे, सेम होना बहुत ज़रूरी है। आर से आर में जा रहा है, ये भी आर से आर में जा रहा है, तभी जुड़ेंगे, तभी घटेंगे, तभी मल्टीप्लाई होंगे, तभी डिवाइड होंगे, अदरवाइज कुछ नहीं होता, सीधी बात, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी कुछ एग्जाम में दे देगा, चेंज कर देगा, वो आपके दिमाग के साथ खेलेगा, ठीक है। यहाँ पर सपोज करो आर से सी में जा रहा है, ठीक है, या तो आप अगर ऐड नहीं कर सकते उस टाइम पे, तो हमें एफ एक्स क्या दे रखा है इस क्वेश्चन में, एक्स प्लस वन, और हमें जी एक्स क्या दे रखा है क्वेश्चन में, टू एक्स माइनस थ्री। सबसे पहले हमें एफ एक्स एफ प्लस जी निकालना है, क्या निकालना है? एफ प्लस जी। तो एफ प्लस जी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, स्टार्टिंग जब हमने 2.3 स्टार्ट किया था, वहाँ पर स्टार्ट करने से पहले मैंने ये सब कॉन्सेप्ट को समझाया था। एफ प्लस जी क्या होता है? एफ एक्स प्लस जी एक्स के इक्वल होता है। एफ एक्स की वैल्यू रख दो, जी एक्स की वैल्यू रख दो, टू एक्स और एक्स क्या जाएगा? थ्री एक्स, वन माइनस थ्री माइनस के टू, आंसर। इसी तरीके से हमें क्या निकालना है? एफ माइनस जी, तो ये होगा एफ एक्स माइनस के जी एक्स। एफ एक्स है एक्स प्लस वन, जी एक्स है हमारा टू एक्स माइनस थ्री। एक्स में से टू एक्स माइनस होगा तो माइनस के एक्स, ठीक है ना, और प्लस के वन, प्लस के थ्री, प्लस का फोर, आंसर। फिर हमें निकालना है
एफ अपॉन जी, ये क्या होता है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, यानी कि एक्स प्लस वन और जी एक्स हमें क्या दे रखा था, टू एक्स माइनस थ्री। तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स जब भी हम करते हैं तो जी एक्स की वैल्यू नहीं क्या नहीं होनी चाहिए, ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, सिंस जी एक्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो इसको ज़ीरो के इक्वल नहीं रखना है हमें, इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। तो माइनस का थ्री इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का थ्री, ये दो मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। सो एक्स के प्लेस पे तो सारी वैल्यू ले लेंगे लेकिन सिवाय थ्री बाई टू को नहीं ले सकते हैं, ठीक है। ये आ गया आंसर, बड़ा सिंपल था, आराम से हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9, 8 आपको दिख रहा है क्वेश्चन, क्या बोला, लेट फंक्शन हमारे पास है 1 से 1 में, 2, 3 ये हमें दे रखे हैं, बी ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, जेड क्या होता है हमारे पास, इंटीजर, डिफाइन बाई जो फंक्शन हमें क्या है, ए एक्स प्लस बी दे रखे हैं, फॉर सम इंटीजर्स ए बी, हमें बताना है कि डिटरमाइन ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो गिवन है वो हम लिखेंगे, जो फंक्शन हमें गिवन है रोस्टर फॉर्म में, 1 का 1 के साथ, 2 का 3 के साथ, 0 का -1 के साथ और -1 का -3 के साथ, ये फंक्शन हमें गिवन है। एंड फंक्शन एफ एक्स को किस रूप में मेंशन किया गया है, ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में, ठीक है ना। और आपको पता है एफ एक्स को हम क्या मानते हैं, वाई मानते हैं, यानी कि सीधा सीधा वाई हमारे पास क्या है, ए एक्स प्लस बी। आपको पता है ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होता है एक्स और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होता है वाई, तो हम यहाँ पर रख सकते हैं, दो इक्वेशन बना लो और सॉल्व कर लो, आपको ए और बी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। सो और फंक्शन भी हमें बाद में निकालने के लिए बोला है, इसे 1 मान लेते हैं या a मान लेते हैं। देखो सबसे पहले ये वाला ले रहा हूँ मैं, इफ x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1 देन, यहाँ y के प्लस पे 1 रखो, a x के प्लस पे 1 रखो और ये b, ठीक है। तो a प्लस b किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा ले ये वाला, एक्स ए के एक्स के प्लेस पर 2 वाई के प्लेस पर 3, ठीक है। सो क्या हो जाएगा, वाई के प्लेस पर क्या रखना है 3 और एक्स के प्लेस पर क्या रखना है 2, तो 2a + b, ये दूसरा इक्वेशन है। सॉल्व कर लो इन दोनों को बाय एलिमिनेशन मेथड, माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। सो माइनस ए स्क्वायर टू, एक में से 3 गया माइनस के 2, सो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, ठीक है। ए की वैल्यू यहाँ रख दो, सिंस ए प्लस बी हमारे पास 1 था, ए की वैल्यू यहाँ रख देंगे, 2 + b = 1, सो बी की वैल्यू आ जाएगी -k1, ठीक। देयरफॉर हमारे पास क्वेश्चन में y इक्वल टू क्या था, ए एक्स प्लस बी, और वाई मतलब क्या था, फंक्शन x, ठीक। तो हम x की जगह पे वैल्यू रख देंगे, सॉरी ए की जगह, b की जगह पे वैल्यू रख देंगे, a की वैल्यू कितनी है 2x और b की वैल्यू कितनी है -1, तो जो हमारा फंक्शन x है वो ये होगा 2x - k1। आगे आंसर, a और b की वैल्यू भी निकाल दी हमने और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा फंक्शन x भी डिफाइन हो गया। बड़ा आसान था, ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर नाइन क्या बोल रहे हैं, लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम एन टू एन, डिफाइन हमें इस रूप में कर रखा है,
और क्या ये रिलेशन सही है, जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस। हर केस के लिए आपको आपके आंसर को जस्टिफाई करना है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये 9, ठीक। सबसे पहले गिवन लिखेंगे जो दे रखा है हमें, क्या है जो फंक्शन को आपकी बार आर से डिफाइन किया है, और ये कहाँ से जा रहा है, एन से एन में जा रहा है, और आर को किस रूप में डिफाइन किया है, ए टू बी के फॉर्म में, जहाँ ए और बी दोनों ही कहाँ से आ रहे हैं, एन से आ रहे हैं, ठीक है। और बोल रहे हैं कि जो ए है वो किसके स्क्वायर, बी के स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। यही चीज़ हमें डिफाइन कर रखी है इस क्वेश्चन में, ओके। तो ट्रू फॉल्स बताना है रीज़न के साथ। फर्स्ट पार्ट पे आ जाओ। फर्स्ट पार्ट में बोला है कि ए कॉमा ए आर से है फॉर ऑल, ए जो है वो एन से है, ठीक है। तो देखो ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट पे बी है, और इस रिलेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए, ठीक है। ए कॉमा ए आर से, और जो ए आ रहा है वो नेचुरल नंबर से आ रहा है। तो मैंने आपको बोला था कभी भी किसी चीज़ को अगर मना करना है तो भाई एग्जांपल देके मना करते हैं, ठीक है, कि भाई देखो ये चीज़ है ऐसा है तो इसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहे, क्योंकि ए ए आर में है तो इसको सेटिस्फाइड करेगा, ए इक्वल टू क्या होगा, ए स्क्वायर होगा। तो ये सिर्फ अगर ए इक्वल टू वन लोगे तभी सेटिस्फाइड होगा, वन इक्वल टू वन का स्क्वायर, यानी कि वन इक्वल टू वन सेटिस्फाइड है। अब देखो मैंने बोला था हज़ार चीज़ों को अगर हाँ बोलते हैं और एक चीज़ों को अगर एक बार ना बोल देते हैं तो तब ना ही बोला जाएगा उसको, ठीक है। तो आपको सोचना क्या, ना के लिए, हाँ के लिए नहीं सोचना, हाँ के लिए हज़ारों बैठे हैं, ना के लिए एक इक्का दुक्का बैठते हैं। इस क्वेश्चन में तो सारे ही ना बोल रहे हैं, सिर्फ इसको यही हाँ बोलेगा, बाकी सारे ना बोलेंगे। क्योंकि अगर एक दो ले लो, क्योंकि ये नेचुरल नंबर से लेना है ना आपको, तभी मैं ऐसे ले रहा हूँ, एक और टू ले लो तो टू इक्वल टू टू स्क्वायर, टू और फोर आपस में इक्वल है क्या, नहीं है, इस रिलेशन को वो होल्ड नहीं कर रहा है, ठीक है। हैंस क्या हो जाएगा, हैंस इट इज़ फॉल्स, ये गलत है, ये हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो आप क्या लिख दो, हैंस इट इज़ नॉट अ रिलेशन। आपसे यही पूछा था कि रिलेशन है या नहीं है, तो ये रिलेशन नहीं होगा इस फंक्शन के करस्पॉन्डिंग। सेकेंड वाले पार्ट में आ जाते हैं। सेकेंड वाले पार्ट में बोला है कि ए कॉमा बी कहाँ से आ रहे हैं, आर से आ रहे हैं, और ये इम्प्लाइज करते हैं कि बी और ए भी आप आर से आएगा, अगर ए बी आर में है तो बी ए बी आर में होगा, ठीक है। तो क्या ये ट्रू होगा, क्या ये रिलेशन होगा, वो हमें बताना है। और हमारे पास ये बेसिक चीज़ें हैं, देखो इफ़ ए कॉमा बी अगर आर में हो तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि ए बी स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। एंड इफ बी ए बिलोंग्स टू आर अगर हम करें तो देखो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से ये वाला या ये वाला ऐसा होता है, ठीक है। तो ये चीज़ और ये चीज़ क्या आपको कभी भी इक्वल दिखाएगा, कभी भी इक्वल बताएगा, बता सकते हैं आप, नहीं होगा। एग्जांपल देख लो ना, अगर मैं ले लेता हूँ, इफ़ सपोज़ करो 1.2 ही ले लो, 1.2 बिलोंग्स टू आर में आता है, 1 भी आर का मेंबर, 2 भी आर का मेंबर है, तो इस कंडीशन को सपोज़ करो दे देते हैं, हो रहा है ऐसा, कभी इक्वल होगा, नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 4 आ गया। इसी तरीके से ये क्या कर देगा, मना कर देगा, नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है, क्योंकि ये इक्वल का साइन प्रॉप्स हो ही नहीं रहा है, 1 इक्वल टू 4 कहाँ से आएगा, नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, इट इज़ नॉट सेटिस्फाइड, हेंस इट इज़ नॉट एन रिलेशन, ये एक रिलेशन नहीं होगा। ऐसे ही थर्ड वाला है, थर्ड वाला भी मना कर देगा, सिंपल।
थर्ड वाले पार्ट में क्या बोला है कि ए कोमा बी आर से आता है, बी कोमा सी भी आर से आता है, और ये इम्प्लाइज करता है कि ए सी भी आर से आएगा। तो ये भी सीधा सीधा फॉल्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ए भी आर से आता है, ए भी अगर आर से आता है तो जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन का जो रिलेशन है उसको सेटिस्फाइड करेगा, इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, इक्वेशन वन मान लो, इफ बी कॉमा सी अगर आर से आता है तो वो भी सेटिस्फाइड करेगा बी इक्वल टू सी स्क्वायर, है ना, करेगा। अब देखो यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ सिर्फ बी है, तो मैं क्या करता हूँ दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ, इधर बी स्क्वायर कर दूँ, यहाँ सी की पावर फोर हो जाएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड यह जगह। और बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है? ए है, मैं रख सकता हूँ यहाँ पर ए इक्वल टू सी की पावर फोर, बट ए इक्वल टू सी की पावर फोर आ रहा था, हमें क्या चाहिए था? ए इक्वल टू सी स्क्वायर चाहिए था, अगर ए और सी का रिलेशन होना था तो, क्योंकि ना, क्योंकि अगर ए और बी आर में थे तो ऐसा था, बी और सी आर में थे तो ऐसा था, ठीक है, अगर ए और सी को आर में दिखाना था तो इस रिलेशन का होना चाहिए था, और यहाँ तो ए सी की पावर फोर आ रहा है। ठीक है, सिंस ए इक्वल टू सी की पावर फोर इज नॉट सेटिस्फाइंग आइडियल कंडीशन, हेंस इट इज फॉल्स। तो ये क्या है? फॉल्स है, गलत है, देयरफॉर इट इज नॉट अ रिलेशन। तो ये थर्ड पार्ट भी इसका रिलेशन बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। दसवें क्वेश्चन में आ जाते हैं, कह रहे ए हमारे पास ये है, बी हमारे पास ये है, और फंक्शन हमारे पास ये है, क्या ये ट्रू है? फंक्शन इज अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, जस्टिफाई योर आंसर इन ईच केस। ठीक है, ओके, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। देखो सबसे पहले लेट क्वेश्चन में जो दे रखा है वही कहते हैं, ए हमें क्या दे रखा है? 1 2 3 4। बी हमें क्या दे रखा है? 1 5 9 11 15 16। ठीक है, और फंक्शन हमारे पास क्या है? 1 का 5 के साथ, 2 का 9 के साथ, 3 का 1 के साथ, 4 का 5 के साथ, और 2 का 11 के साथ। ये क्वेश्चन में गिवन है, ये मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, ये गिवन दे रखा है। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या बताना है? एफ इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ये ट्रू है या फॉल्स है ये आपको बताना है। अभी मैं कुछ नहीं कहूँगा, सॉल्व करूँगा और आप खुद ही बताएंगे। कॉन्सेप्ट रिलेशन का आया है ना, तो रिलेशन का कॉन्सेप्ट आपके मन में आना चाहिए। रिलेशन तब होता है जब ये अंदर का जो माल मटेरियल दिख रहा है आपको, ये जो चीज़ हो वो ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या हो? सबसेट हो, तभी वो रिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये जो भी माल मटेरियल आपको दिख रहा है, ये माल मटेरियल ए क्रॉस बी का क्या होना चाहिए? सबसेट होना चाहिए। ठीक है, सो सबसे पहले हम चेक करेंगे ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी के अंदर अगर ये सारे टर्म आ जाते हैं तब तो ये एक रिलेशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट सिंस ए क्रॉस बी, यहाँ ए रखो 1 2 3 4, क्रॉस बी क्या हमारे पास? 1 5 9 11 15 16। ठीक है, शुरू करते हैं। एक लिया इनके साथ, 1 का 5 के साथ, 1 का, अच्छा 1 का 1 के साथ भी था, 1 का 5 के साथ हो गया, 1 का 9 के साथ, 1 का 11 के साथ, 1 का 15 के साथ, 1 का 16 के साथ। फिर दो लो, 2 का 5 के साथ, 2 का 1 के साथ, 2 का 9 के साथ, 2 का
दो का 11 के साथ, दो का 15 के साथ, दो का 16 के साथ, अभी बंद नहीं, दो का हो गया, तीन का करेंगे, तीन का 5 के साथ, तीन का 1 के साथ, तीन का 9 के साथ, तीन का 11 के साथ, तीन का 15 के साथ, तीन का 16 के साथ, हो गया 4, 4 का 5 के साथ, 4 का 1 के साथ, 4 का 9 के साथ, 4 ये कार्टेशियन प्रोडक्ट कर लिया। अब देखो 1.5 आपको दिख रहा है, इसके अंदर दिख रहा है, 2.9 दिख रहा है, 3.1 दिख रहा है, 4.5 दिख रहा है, फिर 2.11 दिख रहा है। तो ये सारे एलिमेंट ए क्रॉस बी के अंदर दिख गए। इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये जो है वो इसका क्या है, एक सबसेट है, और सबसेट है इसी वजह से ये क्या है, एक रिलेशन है, वही आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। सिंस एफ इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है, हेंस इट इज अ रिलेशन, यानी कि ये क्या है, एक रिलेशन है, ठीक। अब सेकंड वाले पार्ट में बोला है क्या ये एक फंक्शन है या नहीं है। अब देखो बड़ा आसान है, एफ हमें क्या दे रखा था, 1.5, 2.9, 3.1, 4.5 एंड 2.11, ये दे रखा है। फंक्शन के लिए हमें फिगर देखना पड़ता है, हमें बस ये देखना है कि कभी भी अगर एक इनपुट दो आउटपुट दे देता है तो वो फंक्शन नहीं होगा। चलो फिगर बना के देखते हैं। पहले एक्स कोऑर्डिनेट देखो, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, और फिर से यहाँ पर 2 है, ठीक है। एक शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूँ कैसे पता लगाना है। कभी भी आपको एक्स कोऑर्डिनेट में दो चीज़ अगर रिपीट करता हुआ दिख जाए तो वो फंक्शन नहीं होगा, क्लियर। शर्त ये है कि यहाँ पर एलिमेंट अलग अलग होने चाहिए वाई कोऑर्डिनेट पे, यहाँ 9 है, यहाँ पे देखो 2.9 दे रहा है, 2.11 दे रहा है, यही से पता लग गया मेरे को तो ये फंक्शन नहीं होगा। देखो 1 मेरे को क्या दे रहा था, 5, 2 मेरे को क्या दे रहा था, 9, 3 मेरे को क्या दे रहा है, 1, 4 मेरे को क्या दे रहा है, 5, ठीक है। दो इन दो डिफरेंट इनपुट एक सेम आउटपुट दे सकता है, लेकिन एक ही इनपुट दो डिफरेंट आउटपुट नहीं दे सकते, आई बात समझ में। इन दो डिफरेंट इनपुट सेम आउटपुट दे सकता है, लेकिन एक ही सेम इनपुट दो डिफरेंट आउटपुट कभी नहीं देगा, अगर देगा तो वो फंक्शन नहीं होगा। देखो 2 मेरे को 9 भी दे रहा था, 2 मेरे को 11 भी दे रहा है, तो जो मेरे को बात खाली है उसको मैंने गोला मार दिया, ठीक है। तो आप रीजन लिखेंगे, सिंस द ऑर्डर्ड पेयर 2.9 एंड 2.11 हैव फर्स्ट कंपोनेंट सेम, ये कंपोनेंट क्या है, सेम है, फर्स्ट कंपोनेंट्स सेम, हेंस इट इज नॉट अ फंक्शन। तो ये क्या नहीं है, एक फंक्शन बिल्कुल नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 अभी हमने आराम से कर लिए हैं। 11 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहे हैं। अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं है कि प्लीज़ लाइक कर दें, और क्लास 12th की जो मैथमेटिक्स है वो हमने ऑलरेडी कवर कर दी है, ठीक है, जिसमें कि पूरा एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, ठीक है, सैम्पल पेपर के सोल्यूशन सब करा रखा है। तो वो भी आप आगे की क्लास में जब जाएंगे तो वो आपको सारा मिल जाएगा, किसी दूसरे क्लास में किसी दूसरे चैनल पर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेट फंक्शन बी एस, लेट एफ बी एस सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड, और वो किस रूप में डिपेंड किया हुआ हमें, ए बी कॉमा ए प्लस बी।
और ए और बी जेड से आ रहे हैं, इंटीजर से आ रहे हैं। इफ़ एफ़ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड इज़, क्या ये एक फंक्शन है जेड से जेड में? जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें क्या बोल रहे हैं, जो एफ है, एफ बी यंग, एफ बी द सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड क्रॉस जेड। जेड मतलब क्या है? इंटीजर। ठीक है, उसका एक सबसेट है और हमें फंक्शन किस रूप में डिफाइन कर रखा है? गिवन, यहाँ लिख देता हूँ, एफ हमें किस रूप में डिफाइन कर रखा है, यहाँ ए बी है और यहाँ ए प्लस बी है, और ये जो ए बी है वो कहाँ से आ रहे हैं? जेड से आ रहे हैं। ठीक, फंक्शन कब नहीं होता है? देखो ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है। ठीक है, फंक्शन कब नहीं होता है? कभी भी मना करना हो आपको किसी चीज़ को, हम क्या लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। और ए और बी आपको कहाँ से लेना? जेड से लेना है। जेड मतलब इंटीजर, सिंस जेड आपके पास क्या हो जाता है, जैसे कि माइनस के तीन, माइनस के दो, यहाँ पर डॉट लगा दो, माइनस के वन, फिर ज़ीरो, वन टू थ्री, डॉट डॉट डॉट, ये सारे क्या हमारे पास? इंटीजर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इफ़ ए में ले लेता हूँ ज़ीरो और मैं बी ले लेता हूँ वन, क्योंकि मेरे पास जो एक्स है वो ए बी है और जो वाई है वो है ए प्लस बी। ठीक है, ये फर्स्ट केस लिया मैंने, तो क्या हो जाएगा, ज़ीरो इंटू वन क्या दे देगा? ज़ीरो। और यहाँ रखूँगा ज़ीरो प्लस वन, मेरे को क्या देगा? वन देगा। ठीक है, अब देखो मैं ज़ीरो पे और एक चीज़ ला के दिखा दूँगा। सेकंड, इफ़ ए में ले लेता हूँ ज़ीरो और बी में ले लेता हूँ थ्री। ठीक है, ए लेता हूँ ज़ीरो, बी लेता हूँ थ्री, जेड से ही ले रहा हूँ मैं, ये तो सारे के सारे बिलोंग्स कर रहे हैं जेड में। तो क्या हो, देखो ज़ीरो इंटू बी, एक्स हमारा ज़ीरो, ये हो गया ज़ीरो, और ज़ीरो प्लस थ्री हमें क्या दे देगा? थ्री। तो एक इनपुट दो आउटपुट दे रहा है, तो ये फंक्शन होगा? बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हो जाएंगी। सिंस, तो मैंने एक दिखाना, सिंस ज़ीरो गिव्स टू डिफरेंट इमेजेस, हेंस इट इज नॉट अ फंक्शन, तो ये बिल्कुल भी एक फंक्शन नहीं होगा। ठीक, ये चीज़ हो गई है, आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर 12, लास्ट। इसके बाद क्या होगा, जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है ना, उसके जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, सारा तो नहीं, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मैं आप लोगों को भी करा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहे हैं, लेट ए हमारे पास इतना है एंड फंक्शन जो जा रहा है ए से एन में जा रहा है, बी डिफाइंड बाई फंक्शन एन द हाइएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, फाइंड द रेंज ऑफ एफ। ठीक है, फंक्शन को अच्छे से, क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, ए हमारे पास ये है और फंक्शन जा रहा है ए से एन में, और एफ जो जो भी फंक्शन एन होगा उसको क्या कर लेना है हमें, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर जो करोगे उसको हमें लेना है। तो किसी भी नंबर को तोड़ेंगे हम, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो उसका हाईएस्ट वाला पार्ट लेना है प्राइम फैक्टराइजेशन में जो भी आएगा, और उसकी मदद से आपको क्या बताना है, रेंज बतानी है फंक्शन की। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस समझना है क्वेश्चन को। गिवन, ए हमें क्या दे रखा है? 9, 10, 11, 12, 13, एंड हमें जो फंक्शन को डिफाइन किया है वो किया है ए से एन में जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ लिख दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या
क्या बोला है, जो भी आप मेंबर लोग हैं उसका क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है इफ़ एन इक्वल्स टू 9। तो 9 को हम लिख सकते हैं 1 × 3 × 3, प्राइम फैक्टराइजेशन आता ही आपको 9, 3 × 3 = 9, 3 × 1 = 0, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। तो इसमें से सबसे हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट प्राइम नंबर कितना है, 3 है, तो यानी कि जब हमने 9 लिया तो मुझे कितना मिला, 3, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को मिल गया 9,3, ठीक। अब किसको लेना है, मेरे को 10 को लेना है। इफ़ एन इक्वल्स टू 10, तो 10 का फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 × 5, 1 × 2 × 5, यही होगा। और हाईएस्ट प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगा, 5। तो 10 पे मेरे को क्या मिला, 5 मिला। जब 10 लिया तो मेरे को क्या गया, 5 मिला, ठीक। अभी बाकियों को भी करने, बाकियों को अभी करना है। 10 के लिए हो गया इफ़ एन इक्वल्स टू 11, तो 11 तो खुद में एक प्राइम नंबर है, तो 11 को जब तोड़ोगे तो 1 × 11, हाईएस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, 11, है ना। सो हमें जो मिलेगा 11 का, 11 के साथ मिला। तीसरा पार्ट ये हो गया, 11 के लिए बात होगी इफ़ एन इक्वल्स टू 12, 12 के लिए बात करेंगे। तो 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 = 3, ठीक है। हाईएस्ट प्राइम नंबर में कौन सा है, 3 है, तो 12 का किसके साथ आया, 3 के साथ। अब बचा कौन सा, 13, एन इक्वल्स टू 13, 13 को हम लिख सकते हैं 1 × 13, 13 का 13 के साथ ही आ जाएगा। हाईएस्ट प्राइम नंबर कितना है, 13 का 13 के साथ, क्लियर, ये चीज़ आ गई। अब देखो अगर आपको मैं फिगर बना के समझाऊँ, इधर इनपुट ले लूँ और इधर आउटपुट ले लूँ, ठीक है। तो इनपुट में हमारे पास क्या है, 9 का 3 के साथ था, जब मैंने 9 लिया तो मेरे को 3 मिला था, जब मैंने 10 लिया तो मेरे को 5 मिला था, जब मैंने 11 लिया था तो मेरे को 11 मिला था, जब मैंने 12 लिया था तो मेरे को 3 मिला था, और जब मैंने 13 लिया तो मेरे को 13 मिला था। ये होता है डोमेन, और इधर वाला क्या होता है, रेंज। एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, डोमेन, और ये वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, रेंज। और आपको क्या निकालना है क्वेश्चन में, रेंज। तो रेंज क्या हो जाएगी, कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं क्योंकि इस कुछ ही एलिमेंट्स हैं फाइनाइट, तो इसे हम कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, 3, 5, 11, 3, 13, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा क्या होगा, रेंज होगा। तो सारे क्वेश्चन हमने आराम से कर लिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल पर नया हूँ तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो जो कि बिल्कुल फ्री है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो, ठीक है। एंड मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, ये मेरा यूज़र आईडी है, तारक शाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।